पहले T20 में मिली हार के बाद दूसरे T20 मुकाबले के लिए शादाब खान ने बदल डाली टीम पाकिस्तान की अधि प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, आखिरकार दूसरे T20 मुकाबले के लिए कैसी है पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11, साथ ही टीम में हुए हैं कौन कौन से बड़े बदलाव, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम फिलहाल अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज में भिड़ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये तीन मैचों की T20I सीरीज UAE के शारजाह में खेली जा रही है, जहां दोनों टीमों के बीच शुक्रवार 24 मार्च को पहला T20 मुकाबला खेला गया। हालांकि इस T20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान ने 6 विकेट से हरा दिया है और तीन मैचों की T20I सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में दूसरा T20 मुकाबला पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति का है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की दूसरे T20 मुकाबले में अग्नि परीक्षा होने जा रही है, जहां खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाकर सीरीज में वापसी करना चाहेंगे। हालांकि पहले T20 मुकाबले में खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को कप्तान शादाब खान बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मुकाबला भी शारजाह के मैदान पर खेला जाना है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार दूसरे T20 मुकाबले के लिए कैसी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। सईम अयूब और मोहम्मद हारिस एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि इसके अलावा प्लेइंग 11 में तैयब ताहिर, इफ्तिकार अहमद, हसीबुल्ला खान, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, शादाब खान, एहसानुल्ला, जमान खान और नसीम शाह। तो दोस्तों, आज अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए कुछ ऐसी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।